हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकस। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ड्यूरेबल मिक्सर ग्राइंडर के बारे में। अगर मैं 2022 में बात करूं ड्यूरेबिलिटी और इन सब चीज़ों की, तो मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन के बाद से काफ़ी लोगों का अपना एक फितरत बदल चुकी है परचेजिंग सेक्टर में। लोग ज़्यादा ड्यूरेबल चीज़ परचेज करना चाहते हैं और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चीज़ परचेज करना चाह रहे हैं। तो अगर मिक्सर ग्राइंडर के सेक्टर की बात करी जाए और ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ सुजाता का नाम ना आए, तो सारी चीज़ें बेकार लगती हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक मीडियम सेक्टर में एक इतना आउट स्टैंडिंग मिक्सर ग्राइंडर ऑल इंडिया अवेलेबल है, तो मुझे लगते हैं कि दूसरे कॉम्पिटिटर के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है ऐसी जगह बनाना। इसीलिए कंपनी बड़े हड़बड़ी में 1000-2000 और इस टाइप के मिक्सर ग्राइंडर स्वॉट में निकाल रहे हैं। बट आज भी एक नाम सबके पास सबसे पहला, एक सजेशन भी अगर कोई करता है बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, तो वो सुजाता का करता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि कुछ चेंजेस करे हैं सुजाता ने 2022 में। तो चलिए आज देखते हैं कि अगर 2023 की बात करी जाए कि नए साल में या आज इस एंड ऑफ द में कौन सा मिक्सर ग्राइंडर बेस्ट है। हालांकि मैंने बहुत सारी चीजें देखी तो मुझे आखिर में एक नाम ही समझ में आता है, सुजाता का नाम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो ऑल इंडिया अवेलेबल ही नहीं है। और अगर बहुत आउटस्टैंडिंग अगर प्रोडक्ट निकालते भी हैं तो उसके प्राइसिंग इतना ऊपर हो जाता है कि एक मिक्सर ग्राइंडर के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाता है। तो चलिए आज मैं आपको डिटेल रिव्यू देने वाला हूं, बहुत सारी नई बातें बताने वाला हूं सुजाता के डायनेमिक्स मिक्सर ग्राइंडर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग के बारे में बात करी जाए, तो पहले इसकी पैकेजिंग में इस टाइप से मोटी सी पॉली पैकिंग नहीं आती थी, बट अब ये चीज़ दे दी गई है। ऑब्वियस ही बात है कि ऑल इंडिया इसको डिलीवर भी करना होता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि पैकेजिंग में काफ़ी ज़्यादा एक इम्प्रूवमेंट देखी गई है। और मैंने भी देखी, क्योंकि पहले जो इसमें ऊपर से पॉली पैकिंग आती थी वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं थी, तो अब ये कुछ ज़्यादा ही ड्यूरेबल है। तो चलिए आपके सामने थोड़ी सी मेहनत करके इसको ज़रा निकाल लेते हैं, बड़ा मुश्किल होता है, बट ये है कि बहुत ज़्यादा हैवी ये पॉली पैकिंग में है, तो जल्दी से इसको निकाल लेते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए, और उसके बाद इसको अनबॉक्स करेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है ये यहाँ से कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। अब ये इसकी पॉली पैकिंग निकल गई, तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरी तरीके से इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से, जिससे प्रॉपर आपको डिटेल्स हर एक चीज़ सुजाता डायनेमिक्स के बारे में बता सकूँ। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सामने दिख रही होगी सुजाता डायनेमिक्स, कुछ चीज़ें डिफरेंस मिल रही होगी। सबसे पहले है न्यू लिखा हुआ है, इम्प्रूव चटनी जार विद सेफ्टी लॉक्स। पहले चटनी जार नॉर्मल आता था, तो ऑब्वियस ही बात है आपको हाथ से पकड़ना पड़ता था कि जार का ढक्कन अपने आप ना उड़ के इधर उधर चला जाए। तो ऑब्वियस ही बात है कि अब इन्होंने सेफ्टी लॉक के साथ दे दिया है। क्या चेंजेस हैं वो ज़रूर अभी अनबॉक्स करके मैं दिखाऊंगा। उसके साथ ही साथ कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, सुजाता में ऑटो कट नहीं आता है। हर मिक्सर ग्राइंडर में ऑटो कट के नीचे बटन दिया होता है, जिससे अगर ओवरहीट हो जाए तो वो आप सही कर सकें। सुजाता में ये साफ साफ लिख के देते हैं कि आप यहाँ पे 90 मिनट्स तक रेगुलर यूज लगातार यूज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ 900 वॉट की मोटर मिलती है, डबल बॉल बियरिंग फॉर बोथ द एंड्स। मतलब इसकी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी RPM बहुत लाजवाब होता है, और टॉर्क बहुत अच्छा, टॉर्क का मतलब होता है ताकत बहुत अच्छी जनरेट होती है। तो चलिए इसके बाद और कुछ डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे सुजाता की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सितंबर 2022 का है, और उसमें 8478 की MRP है, बट लाजवाब डिस्काउंट ऑनलाइन चल रहा है, जिसका बाय लिंक खरीदने का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मगर अभी रुक जाइए, अभी पहले कंपनी का पूरी वीडियो बची हुई है। तो चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ से सुजाता का पूरा जो ऊपर की तरफ से टेपिंग लगी हुई है इसको ज़रा निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको कंप्लीट डिटेल्स दिखाते हैं कुछ इस तरीके से। तो सुजाता में जब भी आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से ओरिजिनल इसकी पैकेजिंग मिलती है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे सुजाता ने इस साल अपना एक पंखा भी लॉन्च किया है, तो उसका ये कंप्लीट कैटलॉग ये लोग देते हैं। उसके साथ साथ ये सारे मॉडल्स आ जाते हैं, जिसमें आपको पावरमैटिक प्लस से जूसर मिलता है, जूसर मिक्सर ग्राइंडर मिलता है। जूसर मिक्सर ग्राइंडर लेंगे तो ध्यान रखिएगा इसमें चटनी जार नहीं मिलता है, और यहाँ पे सुपर मिक्स आती है, फिर सबसे लाजवाब मिक्सर ग्राइंडर डायनेमिक्स आती है। तो चलिए इसको ज़रा हटा देते हैं। ये आ जाता है इसका वारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड भी आपको दिखा दें, बिल्कुल लास्ट पन्ने में यहाँ पे इसका वारंटी कार्ड होता है। उसके साथ ही साथ कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऊपर की तरफ से कुछ इस तरीके से पॉली पैकिंग मिल जाती है, जिसमें आपको एक ये मल्टीपल, ये चीज़ हमेशा डायनेमिक्स में ही मिलती है, जिसमें दो तरीके के ब्लेड्स मिलेंगे। एक जो आपको गोल गोल ब्लेड दिख रहा है, ये आपका विस्किंग के लिए होता है, कोई चीज़ मिक्स करनी है, विस्क करनी है, मक्खन निकालना है, उसके लिए होता है। और उसके अलावा क्रशिंग ब्लेड होता है, जिसमें जैसे बर्फ वर्फ क्रश करनी है आपको रेगुलर बेसिस पे, तो आप इसे कर सकते हैं। काफ़ी यूजफुल ब्लेड्स होती हैं, इसको ज़रूर संभाल के रखिएगा, समय पर ज़रूर काम आती है। इसके बाद एक जो चेंज, बहुत बड़ा जो एक चेंज इन्होंने न्यू जो यहाँ पर दे रखा था, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वीडियो को ध्यान से
देखिएगा, मिक्सर ग्राइंडर परचेज करना है तो थोड़ी बहुत जानकारी होनी बहुत जरूरी है। ये लगभग अनब्रेकेबल आता है और यहाँ पे सुजाता का ब्रांडिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। पहले ये आता था कुछ इस तरीके से, डिब्बे में बना हुआ है ना, बिल्कुल प्लेन सा सिंपल सा, बट अब आपको एक तो उसकी गैसकेट बहुत लाजवाब दी हुई है, सिलिकॉन की दी हुई है, बहुत अच्छे से फिट हो जाती है। और साइड में ये लॉक लगाने के बाद चटनी बनाते ही रहिए, कोई इसमें इधर से उधर टस से मस होना ही नहीं है। तो ये तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखा दिया है। उसके बाद एक ये आता है जिसमें आप पेंच ढीले और टाइट कर सकते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे ईजिली कोई भी चीज बनाते हैं बराबर तरीके से, एक एक बूंद इसे निचोड़ निचोड़ के निकाल सकते हैं। तो चलिए अब ये तो खाली हो गया, इसको हटा देते हैं और इसके बाद डिब्बे के अंदर का माल दिखाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे तीनों जार के साथ मिक्सर ग्राइंडर आपको दिख ही रहा है। तो सबसे पहले हम जार्स निकाल लेते हैं। तो जो पहला जार मैंने निकाला है वो ये है सुजाता का, जिसको हम कहते हैं लिक्विडाइजिंग जार, जो कि बहुत बड़ा चेंज लाता है बाकी मॉडल्स में। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप सुपर मिक्स लेंगे तो ये वाला जो जार है आपको नहीं मिलेगा, इसकी जगह आपको प्लास्टिक का पॉलीकार्बोनेट का जार मिलेगा। यहाँ पे ग्रिपिंग भी बदल दी है, यहाँ पे ग्रिपिंग बिल्कुल सॉफ्ट ग्रिप कर दी है, साइड में भी आपको रबड़ का थोड़ा सा प्रीमियम फिनिशिंग मिलेगी। उसी के साथ साथ इसका स्टील बहुत ही ज़्यादा हार्ड और बहुत मज़ेदार दिया हुआ है, मतलब इसका जार हाथ में पकड़ते ही आपको लग जाएगा कि भाई साहब ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर में से एक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे डबल ब्लेड यहाँ दी हुई है, ये लिक्विडाइजिंग जार है जिसमें आप शेक देखिए बनाना भी बना हुआ है, मैंगो भी बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें समझ लीजिए, ये आपको शेक बनाने के लिए बहुत हेल्प करेगा। लिक्विड चीज़ अगर कभी भी आपको पीसनी है, ज़्यादा चटनी बनानी है, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओ ये भी आपको कंप्लीट मेटल का मिल जाता है, बाकी कंपनीज़ में ये चीज़ प्लास्टिक मिलती है, हालांकि कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं क्वालिटी का। ये भी थोड़ा सा रबड़ फिनिशिंग में मिल जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक इंडिया का, अभी मेरे हाथ में इंडिया का बेस्ट जार है जो कि सुजाता की ब्रांडिंग के साथ आता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको डोम शेप अनब्रेकेबल पॉलीकार्बोनेट का आपको ये ढक्कन मिलता है, जो कि तीन तरफ से आसानी से इसको आप लॉक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब ये लॉक हो गया, ऑब्वियसली बात है दिन भर यूज़ करते रहिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सुजाता का मिक्सर ग्राइंडर है। तो ऑब्वियसली बात है कि इसको ज़रा हटा देते हैं और उसके बाद देकर आते हैं यहाँ पे इसका ये ड्राई ग्राइंडिंग जार। ऑब्वियसली बात है ये भी बहुत बड़ा चेंज है, मैं आपको बता दूं काफ़ी लोगों को ये बात पता नहीं है, कि अगर वो सुपर मिक्स लेते हैं तो सिर्फ ये बता देते हैं कि यहाँ पे जो ये वाला जार है ये जार सेम होता है, सारे जार सेम होते हैं, सिर्फ एक प्लास्टिक का जार होता है। हालांकि रियलिटी ये नहीं होती है, काफ़ी सारे चेंजेस सुजाता अपने डायनेमिक्स में देता है, इसीलिए थोड़ा बहुत प्राइस का डिफरेंस है। जैसे कि जार में ये ग्रूव्स दिख रहे हैं ना, ये मिक्सिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, उसी के साथ साथ इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। मैं आपको बता रहा हूँ डिब्बे में जो चीज़ें बनी रहती हैं उससे ऑब्वियस ये बात है कि फोटो उन्होंने चेंज करने का नहीं देखा, बट अपना प्रोडक्ट उन्होंने इंप्रूव किया है डायनेमिक्स में। तो ये ग्रूव्स के साथ हैवी जार मिलता है जिसमें आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलती है। इसमें खड़ी हल्दी तक आप पी सकते हैं, बट मिक्सर ग्राइंडर आपका है तो ध्यान रखिएगा खड़ी हल्दी भी पीसते हैं तो थोड़े छोटे छोटे पीसेस करके ही पीसिएगा, जिससे ये काफी आसानी तरीके से और ड्यूरेबल तरीके से चले। हालांकि ऑब्वियसली बात है इसको जितना रेगुलरली आपको यूज करना है आप कर सकते हो, क्योंकि ये ऑल इंडिया कॉमर्शियल मिक्सर ग्राइंडर में एक गिना जाता है, बट कंपनी मना करती है कि कॉमर्शियली ना यूज करिए, बट इसकी ड्यूरेबिलिटी देखते हुए हर कॉमर्शियल पर्सन हमेशा सुजाता का ही नाम लेता है। तो ये काफी ज्यादा अच्छा है और ऑल इंडिया अवेलेबल है। इसमें भी नीचे आपको मेटल मिल जाएगा, यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट का जार मिला, वो ये ढक्कन मिल जाता है जो कि बहुत आसानी तरीके से इसमें फिट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके सबसे ज्यादा यूज होने वाले जार की, वो है इसका चटनी जार, जिसमें काफी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो चटनी जार है सुजाता की मार्किंग है, यहाँ पे साइड में आपको ये कॉलर टाइप की चीज मिल जाएगी जो कि इंप्रूवमेंट है पहले के जार से। अब ये क्या इंप्रूवमेंट है, ऑब्वियस ही बात है इसमें बहुत आसानी से आप इसको इस तरीके से लगा दीजिए और उसके बाद इसको कंप्लीटली आप यहाँ से कुछ इस तरीके से रुक जाइएगा, कुछ इस तरीके से इसको आप यहाँ पे लॉक कर सकते हैं बहुत प्रॉपरली। अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से लॉक होगा, कुछ इस तरीके से यहाँ से ये सारी चीज़ें ये कम्प्लीटली लॉक हो जाएगा बराबर। चटनी दिन भर पीसते रहिए, कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है, ये निकलने वालों में से नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑब्वियस ही बात है जो सुजाता की जान है वो सुजाता का मोटर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट। जब डिब्बे को हटा देते हैं, सारी चीज़ें सामने ले आते हैं, डिब्बे की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे सुजाता ये डायनेमिक्स देखने को मिलेगा। अब एक एक करके सारी प्रोडक्ट्स ले आते हैं आपके सामने, जिससे आपको भी लगे हालांकि मिक्सर ग्राइंडर में क्या क्या चीज़ें अभी तक हमने अनबॉक्स करी हैं। तो यहाँ पे ये रहा डायनेमिक्स का न्यू इम्प्रूव्ड सुजाता मिक्सर ग्राइंडर। अब एक एक करके सारी चीज़ें बता देता हूँ इसके बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये एक होता है सेफ्टी कॉलर। अब ये सेफ्टी कॉलर जो होता है ये कुछ इस तरीके से यहाँ से आप इसको
रिमूव कर सकते हैं, मतलब ये चीज़ जो होती है ये चीज़ आप ईजिली यहाँ से, ये यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। हालांकि अभी जल्दी जल्दी में मेरे से नहीं हो रही है, बट इजीली हो जाती है, कोई बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये लो मीडियम हाई ये आप कर सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है। यहाँ पे तीन आपको स्पीड मोड्स मिल जाते हैं, यहाँ पे विप का मिल जाता है, जैसे 2-3 सेकंड के लिए मक्खन निकालना है, कोई भी चीज़ आपको यूज़ करनी है रेगुलर बेसिस पे, इसको आप 2-4 सेकंड के लिए जितनी देर प्रेस करेंगे उतनी देर मिक्सर ग्राइंडर चलेगा, जब छोड़ देंगे तो बंद हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है, कहीं भी आपको यहाँ पे वो नहीं मिलेगा, ऑटो कट का बटन नहीं मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स लिखी हुई है मिक्सर ग्राइंडर की, 3 जार डायनेमिक्स है, इसमें नंबर भी लिखा हुआ है, उसके साथ साथ बहुत सारी डिटेल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। ऑब्वियसली बात है एक इंडिया का एक ऐसा मिक्सर ग्राइंडर जो कि कम से कम 17 कंट्री के आसपास में ये मतलब काफ़ी माना जाता है। और ऑब्वियसली बात है अब यहाँ पे चेंजेस क्या मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको मेटल के ग्रूव्स मिल जाते हैं जो कि ड्यूरेबल होते हैं, काफ़ी अच्छे से ग्रिप करते हैं और मिक्सर ग्राइंडर चलते टाइम पे बिल्कुल भी खड़खड़ खड़खड़ नहीं करेंगे। इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, जब भी इसको आप इस तरीके से हाथ में उठा के भी एक आध बार चेक करेंगे ना तो आपको इसमें वाइब्रेशंस देखने को नहीं मिलेंगे। आजकल के मिक्सर ग्राइंडर जो 500 से 750 वॉट के भी होते हैं उसको हाथ में पकड़िए तो एकदम से चलने के बाद उनमें घन ऐसे करके आता है, बट इसमें ये इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे आपको। ये काफी ज्यादा स्टेबल और बहुत अच्छी से मोटर इसकी बाइंडेड है इसलिए। और उसके बाद ये सेफ्टी कॉलर क्यों दिया है, उसका रीजन ये है क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि मिक्सर ग्राइंडर हर तरीके के लोग यूज करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे ये जो सेफ्टी कॉलर है इसमें सिर्फ 2 साइड से ग्रूव दिए हैं जो कि जार को बहुत प्रॉपर तरीके से बैठा देता है और यहाँ पे जार कंप्लीट बैठ जाएगा तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं। तो डायनेमिक्स में ऐसे क्या चेंजेस है मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज है 900 वॉट की मोटर है, दूसरी बात है डबल बॉल बेयरिंग यहाँ पे डबल साइडेड से दी हुई है जो कि इसका आरपीएम बहुत अच्छा रखती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। उसके साथ साथ यहाँ पे 3 लाजवाब जार्स मिलते हैं सूखे मसाले के लिए, चटनी के लिए और शेक बनाने के लिए। तो अगर आप अपने घर के लिए एक ऐसा मिक्सर ग्राइंडर मीडियम रेंज का, 5,000 से 6,000 का बजट बहुत ज़्यादा नहीं होता है इंडिया के बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर के लिए, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन था भी है भी और आगे भी रहेगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि ऐसी कंपनी जो 40 साल से मिक्सर ग्राइंडर का बाप कहला सकती है तो वो सो जाता ही है। तो मुझे लगता है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं नए साल में एक नया मिक्सर ग्राइंडर तो ऑब्वियस ही बात है मैं हाईली रिकमेंड करूंगा सुजाता का डायनेमिक्स मिक्सर ग्राइंडर, इससे बेहतर कुछ भी नहीं। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।